हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से गाइज आप अपने यहाँ पे डिवाइस के अंदर, तो गाइज आज के इस नए वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आपने यहाँ पे जो आपके फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम शो होता है स्क्रीन लोडेड का, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे गाइज आप अपने फ़ोन को थोड़ा सा यहाँ पे अगर घुमाएंगे तो आपका जो फ़ोन का पूरा स्क्रीन है यहाँ पे रोटेट हो जाएगा, जैसे गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो सिंपली ये जो प्रॉब्लम आपके फ़ोन के अंदर शो हो रहा है, सिंपली इसको सॉल्व कैसे करना है आज के इस नए वीडियो में जानेंगे। तो जैसे गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ किसी भी एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे सारे एप्लीकेशन मेरे रोटेट यहाँ पे हो रहा है। तो सिंपली यहाँ से इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर आपके फ़ोन के अंदर भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो सिंपली इस प्रॉब्लम को सिंपली सॉल्व करने के लिए गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से करना है बैक, और यहाँ से दोस्तों जो सेटिंग्स वाला ऑप्शन है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सेटिंग्स के अंदर आना है। तो जैसे गाइज आप यहाँ पे मोबाइल के सेटिंग्स के अंदर आएंगे तो इस तरह का जो सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जैसे गाइज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको सिंपली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली गाइज इसकी इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ से इसको लॉन्ग करेंगे और यहाँ पे देखने को मिलता है डिस्प्ले ब्राइटनेस। तो सिंपली गाइज आपको यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाला सेटिंग जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली गाइज डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस वाली सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो इस तरह का इंटरफेस है आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो कि जैसे आप यहाँ पे दोस्तों इसको लॉन्ग करते हैं तो आपके सामने जो लास्ट वाला ऑप्शन है ऑटो रोटेट स्क्रीन का, तो ये वाला ऑप्शन दोस्तों अगर आपका इनेबल है तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो इस वाले ऑप्शन को गाइज यहाँ पे ऑफ कर देना है। तो जैसे गाइज यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे तो ये जो प्रॉब्लम आपके फ़ोन के अंदर शो होता है सिंपली यहाँ से अब देखने को नहीं मिलेगा और ये प्रॉब्लम इजिली आपके डिवाइस से फिक्स हो जाएगा। तो जैसे कि अब मैं यहाँ से बैक करूँगा तो ये वाला प्रॉब्लम जब भी मेरे को शो होता है सिंपली यहाँ से मैं दोबारा इसको घुमाऊंगा तो सिंपली यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।